सफल हो रही हैं। महिलाएं बहुत बढ़िया क्वालिटी के बैग बनाकर बेच रही हैं। ये बैग मार्केट रेट से सस्ते भी हैं और सुपीरियर भी। जब हम किसी कार्य को करने की ठान लेते हैं तो उसमें सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। गागल सीमेंट वर्क्स ACC बरमाणा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित और मानव विकास संस्थान कलोल द्वारा जो स्वावलंबन परियोजना चलाई गई, इसमें महिलाओं को सजावटी सामान, कुशन आदि बनाने को भी प्रोत्साहन दिया गया। महिलाओं को सस्ती दर पर कपड़ा आदि उपलब्ध करवाया गया। इस प्रकार की सामान का इस्तेमाल हम अपने घरों, बेडरूम और ड्राइंग रूम में भी करते हैं। हमारे ड्राइंग रूम में सोफों के ऊपर अच्छी सुंदर आरामदायक गद्दियां हों, कुशन हों, अच्छी तकिया हों, कुर्सियों पर सुंदर गद्दियां हों, तो ये देखने को भी अच्छा लगता है और बैठने से आराम भी मिलता है। सर, तो इसमें हमारे बहुत सारे कुशन बनाए गए, जिनमें कि लड्डू कुशन हो गया, गोल कुशन हो गया, चौरस कुशन हो गया, मोती वाला कुशन हो गया, मतलब ड्राइंग रूम में यूज होने वाला कोई भी किसी भी प्रकार का उसकी सजावट के लिए हमने सारे कुशन बनाए हुए और अच्छे से बना रही है महिलाएं, बेच रही है, पैसा कमा रही है और अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ स्वावलंबन प्रोजेक्ट की तरफ से जो कुशन की ट्रेनिंग हुई है उसमें हमें बहुत अच्छा लगा। हमारा घर का काम, घर के काम के साथ साथ हम ये भी काम कर रहे हैं और हमारा अपना जैसे इससे इनकम हो रही है तो इससे हम अपना जो भी खर्च कर रहे हैं तो उसमें काम आ रहा है पैसा जो हम कमा रहे हैं इससे, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारा घर का काम भी हो रहा है, जैसे पशुओं का काम भी कर रहे हैं घर का और काम भी करते हैं उसके साथ साथ ये काम भी कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे घरों में यहाँ बन रही सभी चीजें मौजूद हों। अनेकों प्रकार के डिजाइन ये महिलाएं कुशन मेकिंग में यहाँ बना रही हैं। ये ऐसा कार्य है, इसको जितनी निपुणता से किया जाए डिमांड उतनी ही बढ़ेगी। यहाँ महिलाओं ने कुशन आदि बनाने में अच्छी महारत हासिल की है। लोग अपने घरों के लिए यहाँ से कुशन खरीदते हैं तो कहीं किसी को गिफ्ट आदि देना हो तो भी इनकी डिमांड बनी रहती है। हमारी कंपनी का ये स्पष्ट मानना है कि कारखाना तभी तरक्की कर सकता है अगर आसपास के लोगों के साथ आपके अच्छे रिलेशन हो और आप उनके विकास के बारे में सोचें। तो इसी कड़ी में ये, खैर आज की तारीख में तो 2014 के बाद CSR के प्रति कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट हुई है, लेकिन वो एक्ट आने से पहले भी ACC हमेशा से आसपास के लोगों के सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा ही आगे अग्रणी रही है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे आधारभूत संरचना का हो। 2015 के बाद हमने ये स्वावलंबन कार्य शुरू किया है जो कि लोगों के आर्थिक उत्थान के बारे में बात करता है। इस कड़ी में हमने NGO के माध्यम से कोई 50 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। इसको आप तीन चरण में इसको मान सकते हैं। पहला चरण ये था कि लोगों को इसका ज्ञान देना, उनका स्वयं सहायता समूह के अंदर उनको मेम्बर बनाना, दूसरी कड़ी में बैंक के साथ लिंकेज एस्टैब्लिश करना और किसी भी एक आर्थिक कार्यक्रम के बारे में ट्रेनिंग देना, और तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो था मार्केटिंग। और आजकल इसके ऊपर कार्य हो रहा है, आपने देखा होगा कि इसमें हमारी कोई 450 के आसपास महिलाएं जुड़ी हुई हैं। कोई मशरूम उत्पादन कर रही हैं, कोई अचार बना रही हैं, कोई बैग बना रही हैं, या कुशन मेकिंग का है। साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि हमारी जो महिलाएँ हैं वो एक किसान का कार्य भी करती हैं और हर महिला के परिवार के पास थोड़ी बहुत ज़मीन भी है। जैसा आप जानते हैं कि हिमाचल एक एग्रीरियन सोसाइटी है तो उसके पास 4 पशु भी होते हैं। इन सब कार्यों से निवृत्त होते हुए उसके पास जो समय बचता है और उसके इसी आर्थिक और सामाजिक परिवेश के आधारित हमने ट्रेनिंग इनको दी है ताकि उसका रॉ मटेरियल भी अगर यहाँ पर हो तो उनके इस कार्यक्रम के सफल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आपने देखा होगा कि जो मशरूम वाला या बैग बनाने वाला, अचार वाला, ये महिलाएँ अपनी परिवार की आर्थिक आय में अब बढ़ोतरी कर पाई हैं जिससे कि ये अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि अगर एक महिला स्वावलंबी होती है तो वो पूरा परिवार स्वावलंबी होता है। वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकती है, एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। तो इन्हीं प्रयासों को आने वाले समय में भी हम और सुदृढ़ करेंगे। हमारे अन्य कार्यक्रम भी चल रहे हैं और अभी हमने इन स्वयं सहायता समूह को एक फेडरेशन में भी गठित किया है और साथ ही साथ जो सरकार के विभिन्न कार्यक्रम हैं उनके साथ भी इनको जोड़ा जा रहा है, चाहे वो NABARD हो या चाहे DRDA के माध्यम से या ग्रामीण विकास की जितनी परियोजनाएं हैं उनके साथ इनको मार्केटिंग के विभिन्न एवेन्यू प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
हमने केवीके के साथ भी टाई अप किया है ताकि ये उन ट्रेनिंग को और अच्छी ट्रेनिंग हासिल कर सकें और अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। स्वावलंबन प्रोजेक्ट में महिला सशक्तिकरण को लेकर जो स्किल डेवलपमेंट के कार्य करवाए गए, ये यहाँ की तीनों पंचायतों की महिलाओं के जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित होंगे।